हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का पैडागोगी प्लस एनसीईआरटी के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3, इसके पहले के मैंने 2 टेस्ट करवाए हुए, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं कौन कौन सी? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन। क्या राइट आंसर होगा? कांसा किन धातुओं का मिश्रण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कांसा जो धातु है तांबा और टिन का मिश्रण होती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपके ऑप्शन सी, चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। खाना पकाने के तरीके की बात हो रही है। क्या राइट आंसर होगा 62 का? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। देखिए, खाना हम जैसे बना रहे हैं कोई चीज़, यहाँ खाना पकाने की बात हो रही है, ठीक है। तो गूंथने तो कोई खाना पकाना होता नहीं, अगर जब हम में से आटा है तो आटा गूंथने के बाद में फिर पकाते तो हैं, रोटी को सेकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक कर, तल कर और भून कर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 62 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन दिए हुए, ये जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, या नेपाल का भाग है इसकी चोटी ऊंचाई 8900 मीटर है, या भारत का भाग है इसकी चोटी 9850 मीटर है, या तिब्बत का भाग है इसकी चोटी ऊंचाई 9850 मीटर है। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो एक्यूरेट तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली लगभग आप आंसर अगर इसमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेट में करवा, सॉरी सेट में नहीं, आपको जब नोट्स प्रोवाइड किए थे एनसीईआरटी के, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, या कहीं कहीं आपको 8850 मीटर में मिलती है, क्योंकि 850 तो इस 850 को उन्होंने लगभग 900 कर दिया है। तो यहाँ पर आपका इसलिए लगभग में आपको जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? क्या राइट आंसर होगा? ये भी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन आया हुआ, आप मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा 64 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और अबू धाबी किसके लिए फेमस है आपको बताया था? अबू धाबी खजूर के पेड़ के लिए फेमस है। राजस्थान में क्या किसके लिए फेमस था? खिचड़ी के वृक्षों के लिए, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में 65 में बोला जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नगर कोयल स्टेशन पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी टोटल 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी किलोमीटर पर घंटा में होगी? ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, जो कि आपकी एनसीईआरटी यानी आपके ईवी से बहुत पूछता है। सीटेट अक्सर आपने देखेंगे हर सेट में एक क्वेश्चन आपको ये रेलगाड़ी वाला जरूर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसे आराम से कर लेंगे। सॉल्व करिए इसको। हमें औसत चाल पूछी जा रही है, दूरी दी हुई है, और दूरी चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें गिवन है, हम समय निकाल लें, यानी हमें टोटल जो 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का जितने बजे से जितने बजे तक का टाइम है टोटल हम घंटे निकाल लें, और किलोमीटर तो दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे? बस हमें जो हमारी दूरी दी हुई दूरी में हम समय का भाग दे देंगे तो हमारी चाल निकाल आएगी औसत चाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 56 जो किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन नंबर
6 में बोला जा रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, अक्टूबर से लेकर दिसंबर जो हमारा समय होता है ये मधुमक्खी पालने का बहुत ही अच्छा समय होता है। आपको ये भी एनसीईआरटी नोट्स में करवा, अगर आपको ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे ये नहीं याद आ रही सारे जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी के जो नोट्स मैंने आपको क्लास 3rd, 4th और 5th के करवाए हुए, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो उसके बाद आएगा ही नहीं। मतलब मेरी गारंटी है कि अगर आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो मेरे नोट्स से आप बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही बता दूं कि जो बिहार का मधुबनी ज़िला है वो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है, और इस मधुबनी पेंटिंग्स में किसका यूज़ करते हैं? प्राकृतिक रंगों, जैसे कि हमारे हल्दी हो गए, चावल हो गए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके वहाँ पे जो चित्रकारी की जाती है। और चित्रकारों का विषय क्या होता है ना, वो चित्रकारी में हम बनाते क्या है, तो कई पशु पक्षियों को बनाते हैं, कुछ काम करते मनुष्यों को बनाते हैं, एक मतलब बच्चों को बनाते हैं, स्त्रियाँ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें चित्रकारी में की जाती हैं। और मधुमक्खी जो होती है ये लिली जिसे बोलते हैं इसके पौधों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में हम देख कि खेजड़े के वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए, आपको इस बारे में भी बताया है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है आपके, यानी पहले पॉइंट्स आपको पढ़ने की, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन 4, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शंस दिए हुए, सारे ऑप्शंस जितने पॉइंट्स उनको दोबारा एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर आप देखिए फर्स्ट वाला तो आपको सही होगा, क्यों? क्योंकि ये जो खेजड़ वृक्ष अभी आपको बताया था रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा दूसरा वाला, देखिए इसे जल की आवश्यकता नहीं होती, हाँ ये पॉइंट भी सही। जो खेजड़ बेसिकली जो राजस्थान में जितने पौधे होते उन्हें जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेजड़ वृक्षों को जो है जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत कम जल में ही अच्छे से मतलब फलते फूलते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये छायादार वृक्ष है और जिनकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते, ये भी सही है। ऑप्शन 4 में ये बोला जा रहा है कि ये अपने तने में जल एकत्र करता और लोग पतले पाइप से इसी जल को पीते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये जो विशेषता है ना, ये विशेषता आपको बताई थी रेगिस्तानी ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसमें ये विशेषता होती है कि इसके तने में जल एकत्र हो जाता है और लोग पतले पाइप डालकर इस जल को पी लेते हैं। या राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1st, 2nd और 3rd। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन कौन से सही है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने का बहुत आराम करना पसंद करता है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यता लगभग 2 क्विंटल होता है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, या फिर ऑप्शन 4 कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। आप सभी को ये हाथी के विषय में समझाया था, सभी को ये क्वेश्चन आता होगा और सभी लोग कर लेंगे, क्या राइट आंसर होगा 68 का? मैं सही कथन चुना, इनमें से 3 कथन हमारे गलत हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा कि जो 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है वो करीब उसका जो भार होता है करीब 2 क्विंटल होता है, या कहें 200 किलोग्राम होता है, और जो वयस्क हाथी होते हैं वो एक दिन में करीब 1 क्विंटल से अधिक पत्ते खा लेते हैं। 2 क्विंटल नहीं होगा यहाँ पर, ना ये 2 क्विंटल नहीं होकर 1 क्विंटल होगा, और हाथी एक दिन में करीब ज़्यादा नहीं, हाथी केवल 3 से 4 घंटे सोते हैं, और जो भार भले उसका ज़्यादा होता है लेकिन वो आलसी नहीं होता, वो 3 से 4 घंटे बस सोता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2nd हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी करीब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो यह गांव कहाँ होना चाहिए? आपके ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, क्या राइट आंसर होगा? ये तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2nd, आसाम में होते हैं, बांस के पुल भी आसाम में देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं अपने, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला जा रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित होती है? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या फिर 10 बिंदुओं पर? क्या राइट आंसर होगा? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, तो राइट आंसर हो जाता हमारा ऑप्शन सेकंड, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ना। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ये लुईस ब्रेल ने करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौआ या कोयल? क्या राइट आंसर होगा? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। उल्लू जो अपने गर्दन को करीब 360 डिग्री पे एंगल घुमा सकता है, कह सकते हैं पूरे घुमा सकता है। लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ था कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि उसमें बस थोड़े से पॉइंट्स अलग कर दिए, उसमें ये बोला गया था कि ऐसा कौन सा पक्षी जो झटके से अपने गर्दन पीछे कर लेता है, तो उसमें आपके ऑप्शन सारे दिए थे। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में कहीं भी मैना के बारे में जिक्र नहीं किया गया, यानी मैना के बारे में कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए, जबकि आपको याद होगा मैंने आपको एक तरह से उल्लू के बारे में बताया था, शक्करखोरा के बारे में बताया था, फाख्ता के बारे में और दर्जन चिड़िया, इस तरह से कई सारे पक्षियों के बारे में एनसीईआरटी में दिए हुए, लेकिन मैना के बारे में नहीं दिया था। तो सबने क्या किया था, सबने उल्लू ऑप्शन राइट किया था, जहाँ तक मैंने भी, क्योंकि उल्लू राइट आंसर जो था किया था, क्योंकि मैना के बारे में कहीं पर था ही नहीं, ये एक तरह से कह सकते हैं आउट ऑफ कोर्स आया था। तो अब ये आपको याद रखना है कि अगर अगर बोला जाए कि कौन सा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है लगभग, तो उल्लू। लेकिन अगर आपसे बोला जाए झटके से पीछे कौन कर लेता है, अचानक से पीछे कौन कर लेता है, तब राइट आंसर क्या हो जाता है, तब हमारा राइट आंसर मैना हो जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 72। देखिए आप सभी को अपना जो स्कोर है जरूर बताना है, बहुत सारे लोग स्कोर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन में 72 में बोला जा रहा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में बहुत ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, आसाम या केरल। सभी को पता होगा टेपियोका कहाँ पे उगाया जाता है, ये भूमि के नीचे होता है, एक तरह से टेपियोका एक जड़ होती है जिससे लोग सब्जी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 केरल हो जाएगा। और मसालों का राज्य किसे बोला जाता है, केरल को बोला जाता है मसालों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरह 73। क्वेश्चन में 73 में बोला जा रहा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, म्यादी बुखार, मलेरिया या फिर एनीमिया? अगर डॉक्टर ये सारी चीज़ें उस मरीज को प्रिस्क्राइब कर रहा है तो क्या हो सकता है उसको, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी जो हमारे गुड़, आंवला, हरे पत्ते क्या होते हैं, ये हमारे ये हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, हमारे खून में जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। तो जब ऐसे लोग जिन्हें एनीमिया हो जाता है तो क्या होता है, उनकी हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है, उनके जो लौह तत्व होता है उसमें कमी हो जाती है, और गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी जो होती है लौह की इसमें प्रचुरता होती है, तो उससे क्या होगा मरीज को, इसका मतलब है एनीमिया, ठीक है, यानी ऑप्शन 4 राइट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कौआ, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चीज, यहाँ पे चीज नहीं होगा, चील होगा, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कोया या फिर मोर? क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 चील, बाज और गिद्ध, ये हमसे जो होते हैं 4 गुने अधिक दूर तक दे सकते हैं। वहीं पे एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जो टाइगर होता है, चीता होता है, ये हमसे 6 गुना अधिक दूर तक दे सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं, दिल्ली के किस दिशा में स्थित होंगे? यानी दिल्ली से हमें कुल मिला के उनकी दिशा का आकलन करना है कि दिल्ली से जो शिमला की स्थिति कहाँ पर होगी और दिल्ली से भोपाल की स्थिति कहाँ पर होगी। देखिए फिर से एक मानचित्र का क्वेश्चन आ गया, एक मैप का क्वेश्चन आ गया, और आपको बहुत बार मैंने बोला कि आप मैप को बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हर एक सेट में आपका एक मैप का क्वेश्चन जरूर रहता है,
इससे पहले मैं आपको जितने मॉक टेस्ट करवा चुकी हूँ और साथ ही पेडागॉजी का आपको जितना क्वेश्चंस आपको 13-14 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उन सभी में आपने देखा होगा हर एक वीडियो में आपको एक मानचित्र का क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे वो केरल के तटवर्ती राज्य पूछ लेता है या फिर कभी आपसे आंध्र प्रदेश के तटवर्ती राज्य पूछ लेता है, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती राज्य पूछ लेता है, तो अक्सर आपसे क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है, इस मैप को पढ़ के जाना है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा, आपके पास टाइम भी है, अच्छे से देख लीजिए, लोकेशन चेक कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा 75 का? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी उत्तर और दक्षिण होगा, है ना। जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली का उत्तर पे जाएंगे तो हमें हिमाचल प्रदेश मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो हमें भोपाल या मध्य प्रदेश मिल जाएगा। तो इसलिए 75 का ऑप्शन जो है थर्ड राइट हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला जा रहा है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है, सभी को पता होगा। कहने का मतलब है कि ईवीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ई का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, सी एस का मतलब क्या है। क्या राइट आंसर होगा 76 का? सभी ने कर लिया होगा। 76 का ऑप्शन होगा फोर, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज होता है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कक्षा कक्ष में होने वाले अतिक्रम को विद्यालय के बाहर दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल है। सेकंड, शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को संरक्षित करे, बच्चों का प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्या चीज़ जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा जा रहा है। हमेशा इस क्वेश्चन को दो बार देख लीजिए, कहीं पर नहीं तो नहीं दिया हुआ है, नहीं या फिर है। तो राइट आंसर क्या होगा 77 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षक को कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुरक्षित नहीं करने चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं बना देने, कोई नियम नहीं स्थापित कर देने कि बच्चे हम बस उसी रूल के अनुसार चलें, उसी नियम का पालन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि आजल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न को करने का उद्देश्य किस चीज़ का सुधार करना है, अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या फिर बोलने संबंधी कौशलों में। क्या राइट आंसर होगा 78 का? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा 78 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी चिंतन कौशलों में सुधार करना होगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं डेली आपके लिए वीडियो कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा आपको दे सकूँ, अच्छा सा मटेरियल दे सकूँ। और अगर मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होने लगता है ना, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दिया करिए, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी आपको डाउट, कोई भी आपको क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।